सोमवार को आए विधानसभा चुनाव नतीजों में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से भाजपा के प्रत्याशी रामलाल मारकंडे ने जीत हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने भुंतर में अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया। इस अवसर पर दिव्य हिमाचल वेब टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार खत्म करना मेरे मुख्य लक्ष्य रहेगा। इन विषयों को लेकर आज जिन लोगों ने मुझे लाहौल स्पीति लोगों ने मुझे वोट डाला, विकास को लेकर वोट डाला, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट डाला, मैं उनकी आकांक्षाओं को लेकर आशाओं को लेकर खड़े उतरने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा। कोई विशेष योजना जो पहले से तय हो? विशेष योजनाएं लाहौल के अंदर मशीनीकरण, आधुनिक युग है, हम उसी समय में चले हैं। मैं चाहता हूँ लाहौल स्पीति के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हो वो मशीनीकरण के माध्यम से हो और हमारे नौजवान जो युवा पीढ़ी है रोजगार की बहुत ज़रूरत है। और मैं प्रयास करूँगा कि हर घर को, गरीबों को, बीपीएल परिवारों को हमारी मेरा ये घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था कि वहाँ तो हमें हर व्यक्ति को, परिवार को जॉब देने की बात करूँ और मशीनीकरण लाहौल स्पीति पहुँचाऊँ और भ्रष्टाचार मुक्त लाहौल स्पीति। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए भुंतर से हीरालाल की रिपोर्ट।